theme park, resort and water park. अब हम खाना खाएंगे शाम का. हेलो, आज मैं अपना पहला व्लॉग शूट करने जा रहा हूँ जो कि कानपुर टू सीतापुर होगा. सीतापुर है हमारा लखनऊ के आगे. ये आपका पड़ेगा अमान भाई कितना होगा? 110 किलोमीटर. हम लोग बाय कार जा रहे हैं और जाने में हम लोग को लग जाएगा एक ढाई घंटा. ये हमारी कार है जिससे हम लोग सीतापुर रिजॉर्ट के लिए जाएंगे. हम लोग रिजॉर्ट के लिए निकल रहे हैं. फाइनली हम लोग रिजॉर्ट आ चुके हैं और जैसे कि आप देख सकते हो नीलांश थीम पार्क रिजॉर्ट एंड वाटर पार्क. अब यार अंदर से जाके पता चलेगा ये रिजॉर्ट है कैसा. बाहर से तो दिखने में तो बढ़िया लग रहा है, अंदर जाएंगे फिर पता चलेगा. ये एंट्रेंस है. फाइनली हम लोग रिजॉर्ट में आ चुके हैं. ये एंट्रेंस हो गई हम लोग की और हम लोग जा रहे हैं रिसेप्शन में. हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हाँ हाँ हाँ, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते. खो जाए हम. मैंने छोड़ा नहीं कुछ भी, मैं कर चुका सब कुछ, मांगा नहीं कुछ भी, मैं जीता पड़ा सब कुछ. कितनों की आंखों में बन गया कल मेरा बिता हुआ कल. मुझे चाहे तुम कुछ नहीं, सजा के दो मिटा के दो बना के लो. नफा ना हो नाम ये बदल देना वफा ना हो. अब हम जा रहे हैं वाटर पार्क. चलिए फिर अंदर चलते हैं वाटर पार्क में. अरे यार ये क्या, यहाँ तो पानी भरा जा रहा है. तो अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक ये पानी भर नहीं जाता है. ये वाटर पार्क का व्यू है, आप देख सकते हो. ये राइड्स हैं. अबे यार अमान भाई पूरा मजा खराब हो गया यार. यहाँ तो सारा पानी नहीं है वाटर पार्क में, क्या करा जाए अमान भाई. चलो फिर जब तक के झूले का मजा लेते हैं. बाकी व्यू कैसा है अभी तक का, थोड़ा सा बता सकते हो आप? बढ़िया व्यू आ रहा है जैसा देखा जा रहा है कि दिखने में तो अच्छा ही लग रहा है. चलो फिर. और ये हमारे अमान भाई है, बहुत बड़े पबजी प्लेयर हैं. इन्होंने क्या नाम है, अज्जू भाई द लेजेंड को चैलेंज किया था जिसके यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 10 मिलियन सब्सक्राइबर है. तो उन्होंने अभी तक अमान भाई के चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया. अमान भाई अपनी फ्री फायर की आईडी बता सकते हैं? 1900988603. अमान भाई की फ्री फायर की आइडिया, किसी के ऊपर खेलना अमान भाई के साथ तो अमान भाई को चैलेंज भेज सकते हैं. अमन भाई खेलेंगे किसी के साथ भी? दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी. डे की स्टार्टिंग आज फिर स्विमिंग पूल से हुई है जैसे कि आप देख सकते हो. सुबह 7 बजे नहा रहे हैं और अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहा है. 3 घंटे हम लोग नहा चुके हैं. ये क्या, अब तो बारिश होने लगी, अब तो और मजा आएगा नहाने में. और मेरे आप हाथ देख सकते हो, उंगलियां कैसी वाइट पड़ चुकी हैं. इतना मतलब नहाया, 3 घंटे से पानी में नहा रहे हैं. वाटर राइड्स का तो मज़ा ले लिया है, वाटर राइड्स वगैरह नहा लिया है और झूले वगैरह झूल लिए हैं वाटर राइड्स में.
अब हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई? एडवेंचर राइड में जा रहे हैं। तो वेट करो, पहुँच के फिर आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं। तो अब हम ट्रेन में बैठ के नीलांश का अंदर का व्यू देखें, जैसे कि आप देख सकते हो। तुझको मैं रख लूं वहां जहां पे कहीं है मेरा यकीन। अब हम बोटिंग करने जा रहे हैं। जैद भाई, कौन सी बोट पे बैठोगे? ये क्रोकोडाइल ओरिजिनल नहीं है, फेक है। जैद भाई चला के थक गए, उनके पैर में दर्द होने लगा। जैद भाई तो बोलना चाहेंगे कुछ नहीं? अबे भाई आराम से, नैमुल भाई आराम से गिर जाओगे। लग रही भाई, पसीना बहुत आ रहा है यार, वीडियो बना के और झूला झूल के। आप जैसे कि देख सकते हो मेरी शर्ट लाल से काली हो गई है। और एक तो और बड़ी दिक्कत, मेरा चश्मा टूट गया है। हमने एक भाई, उनका चश्मा मांगा है, मगर उनका पावर बहुत कम है, मेरा कुछ ज़्यादा है। तो काम चल जा रहा है, बस हल्का फुल्का काम हो जा रहा है। बस आज का और कल का दिन काटना है इसी चश्मे से। हमें लगी है भूख, अब हम जा रहे हैं खाना खाने। शाम का टाइम हो गया, बहुत घूम लिया, झूला झूल लिया और नहा वगैरह लिया, वाटर पार्क में हो गए। अब भाई थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए, पहले पेट पूजा फिर बाकी काम। तो अब हम इस होटल में खाना खाएंगे, द फूड पार्क। आधा घंटा हो गया मगर अभी तक खाना आया नहीं है, बहुत ही लेट सर्विस है इनकी। अब यार भूख बर्दाश्त नहीं हो रही भाई, क्योंकि इतना घूम लिया, इतना पसीना आ रहा है, देख लो अभी भी शर्ट ब्लैक है। एसी की वजह से थोड़ा सा राहत है अल्लाह का शुक्र है, मगर बहुत पसीना आ रहा है भाई। एक तो अभी तक खाना भी नहीं आया है। आप देख सकते हो टेबल पे कुछ नहीं है, सिर्फ नमक के अलावा। ये हमारी अनम बैठी हैं। हाँ नाम, कुछ बोलना चाहेंगे आप? भूख लग रही है आपको? मजा आया आज आपको यहाँ पे? वाटर पार्क का बहुत मजा आया, एम्यूजमेंट पार्क का भी खुला ही नहीं है। और कल भी तो घूमना है जी, ये बात ही है। अब कल देखा जाए तो क्या मजा आता। होटल से हम वापस आ गए क्योंकि इतनी भीड़ थी, आधा घंटा बैठे मगर खाना नहीं आया, तो हम वापस आ गए। अब रेस्ट करके फिर आएंगे खाना खाने। अब इसमें चल के देखते हैं यहाँ पे क्या है। फाइनली 2 घंटे बाद हमें खाना मिल गया, इतना इंतजार करने के बाद अब हम जा रहे हैं खाना खाने। अब हमने रूम चेकआउट कर दिया है और नीलांश रिजॉर्ट से भी निकल रहे हैं अपने घर के लिए। कोरोना की वजह से यहाँ पे भी बहुत सी चीजें बंद है, जैसे कि ये आपका क्लब हो गया द क्लब, और ये आपका हुक्का बार हो गया, ये आप देख सकते हो। ये सब कोरोना की वजह से अभी बंद है। तो पता करा इनसे, ये बोल रहे हैं कि 1 सितंबर सब चीज़ें चालू हो जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका स्पा हो गया, ये सब अभी बंद है। ये स्पा हो गया, हम लोग एग्जिट कर रहे हैं बाहर की तरफ। तो अब हम कानपुर के निकल चुके हैं और हम कार में बैठ चुके हैं। अब हम
लग जाएगा।